नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव, आप सभी का स्वागत है खबरें अब तक में। खबरें अब तक में आज बात होगी राहुल गांधी के देश से की दगाबाजी की, हमारी पृथ्वी से जुड़े एक रोचक तथ्य की और अखिलेश यादव की बनाई नई रणनीति की। साथ ही आज की उन सभी मुख्य घटनाओं पर बात करेंगे विस्तार से, लेकिन उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। आंदोलनकारी जूनियर डॉक्टर्स ने नहीं माना सुप्रीम कोर्ट का आदेश, कोलकाता में चिकित्सक दुष्कर्म और हत्या मामले में आंदोलनकारी जूनियर डॉक्टर्स ने शाम 5 बजे तक ड्यूटी पर लौटने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नहीं माना है। उनका कहना है कि मांगी पूरी होने तक डॉक्टर्स काम पर नहीं लौटेंगे। इससे पहले सोमवार को शीर्ष अदालत ने प्रदर्शनकारी रेजिडेंट डॉक्टर्स को मंगलवार शाम 5 बजे तक काम पर लौटने का निर्देश दिया था। स्पेशल कोर्ट ने संदीप घोष को 23 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में भेजा। बता दें कि कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को सीबीआई अदालत ने 23 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। उन पर चिकित्सा संस्थान में अपने कार्यकाल के दौरान वित्तीय अनियमितताओं के आरोप। मणिपुर राजभवन कूच कर रहे छात्रों और सुरक्षा बलों की भिड़ंत। बताते चले कि राजभवन की ओर मार्च करने की कोशिश कर रहे छात्रों, महिला प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच मंगलवार को झड़प हो गई। हालात पर काबू पाने के लिए आंसू गैस के गोले दागने पड़े। प्रदर्शनकारी मणिपुर सरकार के डीजीपी और सुरक्षा सलाहकार को हटाने की मांग कर रहे हैं। इससे पहले सोमवार से ख्वाईराम बंद महिला बाजार में डेरा डाले सैकड़ों छात्रों ने बीटी रोड के साथ राजभवन की ओर मार्च करने की कोशिश की, लेकिन कांग्रेस भवन के पास सुरक्षा बलों ने उन्हें रोक दिया। SC OTT और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लगाम के लिए स्वायत्त संस्था के गठन की मांग। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल कर ओवर द टॉप अन्य प्लेटफॉर्म पर लगाम के लिए स्वायत्त संस्था के गठन की मांग की गई है। याचिका में विषय सामग्री की निगरानी और नियमन के लिए एक स्वायत्त इकाई गठित करने के सिलसिले में केंद्र को निर्देश देने की मांग की गई। शेयर बाजार में फिर मजबूत क्लोजिंग। सेंसेक्स 362 अंक चढ़ा, निफ्टी 25,000 के पार। हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन भी शेयर बाजार में हरे निशान पर क्लोजिंग हुई। टेक शेयरों में मजबूती के कारण सेंसेक्स निफ्टी बढ़त के साथ बंद हुए। मंगलवार को 30 शेयरों का बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स 361 अंकों की बढ़त के साथ 81,921.29 के स्तर पर बंद हुआ। दूसरी ओर निफ्टी 104 अंक उछल कर 25,041.10 पर बंद हुआ। तो ये थी आज की हेडलाइंस, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आज की वायरल वीडियो आपको दिखा देते हैं जो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी रही। आम आदमी शासित राज्य पंजाब के जालंधर का एक वीडियो सामने आया है जिसने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया है। जी हाँ, सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक छात्रा को बाइक सवार लुटेरे रोड पर बाइक से घसीटते हुए दिख रहे हैं। लड़की छोड़ने की गुहार लगाती रही, लेकिन हैवान उसे बाइक से सड़क पर घसीटते रहे। आगे हम आपको कुछ बताएं, उससे पहले आप ये वीडियो देखिए। बताया जा रहा है कि 18 वर्षीय लक्ष्मी अपनी भाभी से मिलने के बाद घर लौट रही थी। लक्ष्मी अपनी छोटी बहन और एक पड़ोसी की बेटी के साथ थी। तभी बाइक सवार बदमाशों ने लक्ष्मी का मोबाइल फोन छीनने की कोशिश की। लक्ष्मी ने मोबाइल फोन छोड़ने से इनकार करते हुए उसका विरोध किया, जहां फोन छीनने के इरादे से बदमाश उसे सड़क पर घसीटते रहे, जबकि वह मदद के लिए चिल्लाती रही। इस हादसे में वो गंभीर रूप से घायल हो गई। हालांकि पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए तीन आरोपी लंगड़ाते हुए देखे गए। फिलहाल खबरें अब तक में बात करते हैं अपनी पहली खबर के बारे में। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव 2024 की शुचिता पर सवाल उठाए हैं। गांधी ने अमेरिका में एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि मैं इसे स्वतंत्र चुनाव के रूप में नहीं देखता, मैं इसे नियंत्रित चुनाव के रूप में देखता हूं। दरअसल राहुल गांधी ने बात उस वक्त कही
जब वो वॉशिंगटन डीसी की जॉर्जटाउन यूनिवर्सिटी में छात्रों से मुखातिब हो रहे थे। राहुल ने यह भी कहा कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नफरत नहीं करते। उन्होंने कहा कि कभी कभी उन्हें मोदी से सहानुभूति होती है। ऐसे में एक बार फिर राहुल का मोदी प्रेम उमड़ आया है। साथ ही राहुल ने लोकसभा चुनाव को लेकर जो आरोप लगाए हैं उनमें कितनी सच्चाई है वो भी आइए जानते हैं। कांग्रेस सांसद और सदन में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी इन दिनों अमेरिका दौरे पर हैं, जहां उन्होंने वर्जीनिया के हंडन में इंडियन ओवरसीज कांग्रेस से जुड़े लोगों को संबोधित किया। साथ ही जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में छात्रों से बातचीत की। वहीं इस दौरान राहुल गांधी ने कहा, चुनावों के बाद पीएम मोदी की डराने की रणनीति तुरंत गायब हो गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अमेरिका दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि पीएम मोदी की डराने की रणनीति केवल चुनावों तक सीमित थी, चुनाव खत्म होते ही वह भी गायब हो गई। राहुल ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि निष्पक्ष चुनाव में भाजपा 246 के करीब थी, उनके पास बहुत बड़ा वित्तीय लाभ था, उन्होंने हमारे बैंक खाते बंद कर दिए थे, चुनाव आयोग वही कर रहा था जो वे चाहते थे, पूरा अभियान इस तरह से बनाया गया था कि नरेंद्र मोदी देशभर में अपना काम करें, जिन राज्यों में वे कमजोर थे उन्हें उन राज्यों से अलग तरीके से डिजाइन किया गया था जहां वे मजबूत थे। राहुल ने वॉशिंगटन में कहा, मैं नरेंद्र मोदी से नफरत नहीं करता, मैं उनके दृष्टिकोण से सहमत नहीं हूं, लेकिन मैं उनसे नफरत भी नहीं करता, कई क्षणों में मैं उनके प्रति सहानुभूति रखता हूं। उन्होंने कहा कि हमें विश्वास है कि हम बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे, अगले 2 या 3 महीनों में हम ये चुनाव जीत लेंगे। जाहिर है राहुल गांधी इन दिनों अपने अमेरिकी दौरे पर हैं, जहां उनका एक अलग ही अंदाज देखने को मिल रहा है। यूनिवर्सिटी में छात्रों से मुलाकात के दौरान राहुल घुटनों पर बैठकर फोटो खिंचवाते भी नजर आए। वहीं राहुल की इस अमेरिकी यात्रा के पीछे वजह क्या है, इसका खुलासा अभी नहीं हुआ है, लेकिन यह तो साफ है कि विदेश में भी राहुल मोदी को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। खैर, चलिए इसी के साथ खबरें अब तक में बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। हमारी दुनिया काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, लेकिन उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है इस दुनिया से बाहर की कहानी। जी हाँ, अंतरिक्ष में हजारों ऐसी चीजें हैं जिन पर रिसर्च चल रहा है। अर्थ के अलावा कहीं जीवन है या नहीं, ये तो अलग टॉपिक है, लेकिन इसके अलावा एक बड़ा मुद्दा ये भी है कि क्या अंतरिक्ष में ऐसा भी कुछ है तो पृथ्वी के लिए मुसीबत बन सकता है या पृथ्वी के अंत की वजह बन सकता है। ऐसे में इसरो ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया है, जिसके बाद ये साफ हो गया है कि हमारी पृथ्वी की तरफ तबाही का देवता हाई स्पीड से आ रहा है और ये दुनिया को खत्म भी कर सकता है। जी हाँ, तबाही का देवता के नाम से मशहूर एक एस्टेरॉयड 99,942 अपोफिस का एक बार फिर से चर्चा शुरू हो गई है। एस्टेरॉयड को लेकर नए रिसर्च से पता चलता है कि ये पृथ्वी से टकराने की तरफ बढ़ रहा है, जिसने वैज्ञानिकों की चिंता बढ़ा दी है। वैज्ञानिकों ने पहले इसके पृथ्वी से टकराने की संभावना को खारिज कर दिया था, लेकिन कनाडा के खगोलविद पॉल विगट ने एक ऐसी स्थिति के बारे में पता लगाया जो हमारे ग्रह के लिए बड़ा खतरा पैदा कर रही है। कनाडाई विशेषज्ञ पॉल विगट के हालिया शोध ने अपोफिस के संभावित खतरे की चर्चाओं को फिर से हवा दे दी है। तबाही के देवता के नाम से मशहूर इस क्षुद्र ग्रह के 2029 में पृथ्वी के करीब आने का अनुमान है, जिसके बाद इसरो ने भी इस पर चिंता जताई है। इसरो चीफ डॉक्टर एस सोमनाथ ने इसे बेहद खतरनाक बताया है। डॉक्टर सोमनाथ ने एक इंटरव्यू में कहा कि अगर एक बड़ा एस्टेरॉयड धरती से टकराता है तो इंसानियत खत्म हो जाएगी। इसरो इस समय लगातार इस एस्टेरॉयड पर नजर रख रहा है, उसे ट्रैक कर रहा है। इसकी ट्रैकिंग के लिए नेटवर्क फॉर स्पेस ऑब्जेक्ट्स ट्रैकिंग एंड एनालिसिस प्रोजेक्ट चला रहा है। इस खतरनाक एस्टेरॉयड का नाम है एपोफिस।
अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इतना भी बड़ा क्या एस्टेरॉयड हो सकता है जो पृथ्वी को खत्म कर सकता है। तो बता दें कि एपोफिस 3 फुटबॉल स्टेडियम और दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम से भी बड़ा है। इसकी खोज साल 2004 में की गई थी। वैज्ञानिकों को आशंका है कि यह धरती से टकरा सकता है। नेट्रा के हेड डॉक्टर ए के अनिल कुमार ने कहा कि इसरो का अनुमान है कि 300 मीटर से बड़ा उल्कापिंड एक महाद्वीप में तबाही ला सकता है। सबसे खराब स्थिति में अगर 10 किलोमीटर से ज्यादा बड़ा उल्कापिंड धरती से टकराता है तो यह पूरे ग्रह को खत्म कर सकता है। जबकि एस्टेरॉयड का अनुमानित व्यास 340 से 450 मीटर है। 5 लाख साल पहले महाराष्ट्र के लोनार में एक उल्कापिंड गिरा था। आज वहां एक वर्ग किलोमीटर से ज्यादा बड़ी झील है। अब बताते हैं कि क्या वाकई इस एस्टेरॉयड की पृथ्वी से टक्कर हो सकती है। तो बता दें कि एपोफिस को पहली बार 2004 में खोजा गया था। इसकी पृथ्वी से करीबी को काफी बारीकी से ट्रैक किया गया है। 2029 में ये पृथ्वी के सबसे करीब आएगा और फिर 2036 में करीब आएगा। 2029 में खतरा कम है लेकिन 2036 में खतरा ज्यादा है। देखा जाए तो एपोफिस नामक एस्टेरॉयड के बारे में पहले कहा गया था कि इसके पृथ्वी से टकराने की संभावना बेहद कम है। हालांकि कनाडाई एस्ट्रोनॉमर पॉली विगट की नई स्टडी कहती है कि अंतरिक्ष में एक छोटी सी टक्कर भी एस्टेरॉयड की ट्रेजेक्टरी बदल सकती है। हो सकता है 2036 तक एस्टेरॉयड की दिशा की टक्कर की वजह से बदल जाए, क्योंकि पहले भी ऐसा हो चुका है। लेकिन फिलहाल वो तेजी से पृथ्वी की ओर बढ़ रहा है, जिसकी वजह से वैज्ञानिकों को चिंता है और उसे ऑब्जर्व करना बेहद जरूरी है। खैर, बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। बात फरवरी की है। राज्यसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के 7 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की थी, जिस कारण बीजेपी के 8 नेता राज्यसभा चुनाव जीतने में सफल रहे थे। उस समय इसको लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बेहद तीखी प्रतिक्रिया दी थी, लेकिन 8 महीने के बाद भी सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने अभी तक इन बागी 7 विधायकों पर कार्यवाही करना तो दूर, इसके लिए प्रक्रिया भी नहीं शुरू की। यही वजह है कि बगावत के 6 माह बाद भी उन पर दल बदल कानून के तहत कार्यवाही के लिए विधानसभा अध्यक्ष को कोई आवेदन नहीं दिया गया। वैसे कुछ लोग इसे सपा की रणनीति का हिस्सा मान रहे हैं। गौरतलब है कि फरवरी में हुए राज्यसभा चुनाव में सपा के विधायक मनोज पांडे, राकेश प्रताप सिंह, अभय सिंह, राकेश सिंह, पूजा पाल, विनोद चतुर्वेदी और आशुतोष मौर्य ने भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में मतदान किया था। इससे भाजपा के सभी 8 राज्यसभा प्रत्याशी जीत गए थे और सपा के 2 प्रत्याशी ही राज्यसभा पहुंचे थे। तब सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा था कि सत्ता पक्ष की ओर से मिले पैकेज के चलते इन विधायकों ने पाला बदला है। सपा ने इन विधायकों के खिलाफ दल बदल कानून के तहत कार्यवाही की बात भी कही, लेकिन अभी तक इस संबंध में सपा की ओर से कोई भी अर्जी विधानसभा अध्यक्ष के लिए नहीं दी गई है, जिसे सपा की कहीं ना कहीं रणनीति कहा जा रहा है। ऐसे में सपा को उम्मीद है कि इसका फायदा अगले चुनाव में उसको मिलेगा। फिलहाल इन खबरों के अलावा एक नजर आज की उन खबरों पर भी डाल लेते हैं जो पूरे दिन चर्चा का विषय बनी रही। दिल्ली के कोर्ट ने आतंकी फंडिंग मामले में सांसद इंजीनियर राशिद को अंतरिम जमानत दे दी है। पटियाला हाउस कोर्ट ने 2 अक्टूबर 2024 तक उन्हें अंतरिम जमानत दी है। आगामी जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनावों के लिए प्रचार करने के लिए उन्हें अंतरिम जमानत दी गई है। वहीं मणिपुर में भड़की हिंसा के चलते कर्फ्यू लगा दिया गया है और 15 सितंबर तक इंटरनेट बैन किया गया है। वहीं हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने मंगलवार को उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी की। लिस्ट में 21 प्रत्याशियों का नाम है। वहीं हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मंगलवार को लाडवा से नामांकन दाखिल कर दिया। वहीं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव सीताराम येचुरी की हालत नाजुक बनी हुई है, उन्हें दिल्ली के एम्स में भर्ती कराया गया है। वहीं उत्तराखंड के सोनप्रयाग में भीषण बारिश के बीच लैंडस्लाइड की खबर आ रही है। इस हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है। यहाँ राहत बचाव कार्य जारी है।
वहीं हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने आज अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। दूसरी लिस्ट में पार्टी ने 9 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए हैं। वहीं राजस्थान के अजमेर में ट्रेन को पटरी से उतारने की साजिश की जांच के लिए अजमेर रेंज आईजी ने एसआईटी का गठन किया है। साथ ही अजमेर पुलिस और केंद्रीय जांच एजेंसी भी मामले की जांच में जुटी है। वहीं उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले के करीब 50 गांव में आतंक का पर्याय बने आदमखोर भेड़िए के झुंड में शामिल 5वें भेड़िए को मंगलवार तड़के वन विभाग की टीम ने पकड़ लिया। अब इस झुंड का एक ही भेड़िया पकड़ से बाहर है। वहीं मशहूर हॉलीवुड एक्टर व वॉइस आर्टिस्ट जेम्स अर्ल जोन्स का निधन हो गया है। उन्होंने 93 वर्ष की आयु में आखिरी सांस ली। वहीं कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवार की तीसरी लिस्ट जारी कर दी है। पार्टी ने अपनी तीसरी लिस्ट में 19 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की है। वहीं हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर सोमवार को गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर बड़ी बैठक हुई। इसमें भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, सह प्रभारी बिप्लब कुमार देव समेत हरियाणा कोर ग्रुप के नेता मौजूद रहे। बैठक में उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा हुई। ये तो थी हमारी आज की वो खबरें जो पूरे देश में काफी सुर्खियों का विषय बनी हुई हैं। लेकिन जाते जाते आपको एक और अहम मुद्दे से रूबरू करा देते हैं। जम्मू कश्मीर में इस साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर सभी दल जोरों शोरों से तैयारियों में जुटे हुए हैं। इसी बीच चुनाव प्रचार को एक नई करवट देते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऐसी बातें कही हैं जो घाटी के लोगों के दिलों को छूने वाली होने के साथ प्रांत में नई उम्मीदों के नए दौर का आगाज है एवं गुलाम कश्मीर के लोगों के प्रति सहानुभूति एवं आत्मीयता दर्शाने वाली है। दरअसल एक दिन पहले कारगिल युद्ध को लेकर पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने वो बात कबूल कर ली जो अब तक सारे पाकिस्तानी जनरल पूरी दुनिया से छिपाते रहे। आसिम मुनीर ने साफ साफ कहा कि कारगिल जंग में पाकिस्तानी सेना का हाथ था, उनके सैनिकों ने शहादत दी है। इसके अगले ही दिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का जम्मू कश्मीर की धरती से ये ऐलान कि अगर पाकिस्तान आतंक छोड़ दे तो उसके साथ बातचीत हो सकती है। ये बयान बहुत कुछ कहता है और इसके कई मायने भी हैं। दरअसल पाकिस्तान समझ चुका है कि कश्मीर में अब उसका कुछ नहीं बचा। रही सही कसर जम्मू कश्मीर में हो रहे चुनावों में लोगों की जोरदार भागीदारी ने पूरी कर दी है। उसकी सारी उम्मीदों पर पानी फिरता दिख रहा है। ऐसे में वह भी हकीकत को स्वीकार करता नजर आ रहा है। रक्षा मंत्री की कही बातों में पाकिस्तान सरकार को सीधा संदेश दिया गया है। इन चुनावों में मतदाता जहां ज्यादा जागरूक दिखाई दे रहा है, वहीं नेता भी ज्यादा समझदार एवं चतुर बने हुए दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने जिस प्रकार से चुनावी शतरंज पर काले सफेद मोहरे रखे हैं, उससे मतदाता भी उलझा हुआ है। वहीं इसी बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कश्मीर की जनता को जागरूक किया है एवं मतदान के प्रति सतर्क होने के साथ अपना मतदान विवेक से करने की बात कही है। खैर, आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। जाते जाते हम आपको छोड़ जाते हैं आज के सुविचार के साथ। नमस्कार। परिस्थिति परिवर्तनशील है, अतः दुख में धैर्य रखें और सुख में विवेक।